Hey guys, this is Umer Khan और आज जो मेरे guest मेरे साथ मौजूद हैं, well उनका ना मैं नाम बताऊंगा, ना मैं बड़ी-बड़ी बातें करूंगा, थोड़ा सा उनका काम दिखाऊंगा और उसके बाद direct आपसे इनसे मुलाकात करेंगे, काम देखेंगे। ये बोला, ये बोलेंगे, ये बोलते हैं उठ के आएंगे। नरम सा तो है। अभी घंटी भी ना बजाई थी, उसने दरवाजा खोल लिया। छुट्टियों पे चला जा, नो स्टैंड चांस। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला और एक इनफॉर्मल वे के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जो वो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। राइट सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज एक बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं सीखना चाहते हैं? वही वाली बात है कि बच्चा जब खड़ा होता है, खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, कभी गिरता है, लंगड़ाता है, तो कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस रहा इन बच्चों से मिलना? बहुत अच्छा, मुझे लगा कि बल्कि मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैंने इतने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और वो करना भी चाह रहे हैं, सो इट्स वेरी नाइस। और किसी तरह भी अगर मेरे से या ज़ैन हलीम से कोई भी हेल्प हो सकती है, जो कि मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकली वैसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस तरह भी जिस तरह हो सकती है तो ये बड़ी मतलब अच्छी बात है। ये एक ब्रेन चाइल्ड आइडिया आता है, बात से बात निकलती है कि क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, पैशनेट हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस प्लेटफॉर्म कुड बी मेड वेयर अगर स्टूडेंट्स के कुछ आइडियाज हैं जो टीचर पॉलिश करके आप तक पहुंचाए और अगर आपको कुछ उसमें से समझ आता है तो यू नो आप बच्चों को एज असिस्टेंट्स या एज इंटर्नीज अपने साथ कभी यूज कर सकते हैं? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा मेरा काम हो रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मेरे पास ही अक्सर लड़के लड़कियां आते हैं जो कि जिसे इंटर्नशिप करना चाह रहे थे, तो जहाँ जहाँ मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ मैं करता हूँ। सो मैं हर और बाकी लोग भी करते हैं जी। तो क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, सो बड़े अच्छा टाइम है ये। ज़ैन भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एट फिल्म्स ऑफकोर्स माँ आपका बहुत नाम है, वहाँ से अब एक मूवी, एक नया एक्सपीरियंस, कैसे आपने फील किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आगे किस तरह से देखते हैं कि हम एज पाकिस्तानी सिनेमा किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? हम बिल्कुल मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। ऑब्वियसली फर्स्ट फिल्म थी तो एक जैसे कहते हैं अननोन टेरिटरी में हम वेंचर कर रहे थे शुरू में, लेकिन ये एक जर्नी थी मेरे हिसाब से और डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमने मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है इसका कमर्शियल्स का और उनका जो इसका जितनी वसी है ये जैसे कहते हैं ना इसका इसका जो इसकी जो लॉजिस्टिक्स है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल फिल्म और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मेरे ख्याल से अभी तो जो 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 आउटपुट्स आ रहे हैं इन फिल्म्स के, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, मुझे तो लगता है माशाल्लाह से ये नेक्स्ट ईयर डबल होगा ये इंशाल्लाह। बिकॉज टाइम ऑफकोर्स पाकिस्तानी सिनेमा भी ग्रो कर रहा है और अब लोगों में शऊर आ रहा है। सर, जैसे अभी ज़ैन भाई ने कहा कि टी वी सीज और फिल्म का कोई कंपेरिजन नहीं है, एज अ डायरेक्टर हाउ हार्ड इट इज़ कि आप टी वी सी की ऑडियंस अलग, टाइम लिमिटेशन अलग, डिमांड अलग, एंड देन जम्पिंग फ्रॉम फिल्म, तो आपकी डेब्यू फिल्म, क्या एक जहन में चल रहा था कि यू नो क्या डिफरेंस है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एक तरह से उसको कहानी 30 सेकंड में सुनानी है या उसको बात 30 सेकंड में करनी है,
जबकि फिल्म में आपके पास एक घंटा दो घंटे ढाई घंटे बहुत ज़्यादा वो होता है। सो इसको पेसिंग कैसे करेंगे, किस तरह आप इसको रखेंगे कि इंटरेस्ट भी रहे, फिर वो इमोशंस का प्लेस ज़्यादा हो जाता है एड में। अक्सर एड्स होते हैं, लोग आते हैं कहते हैं ये ख़रीद लो, खत्म होगी बात, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म में कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी होती है। सो मेरे लिए भी मेरा इत्तेफाक ऐसा था कि मैंने शुरू में कुछ थिएटर टीवी कुछ की हुई है, सो मुझे थोड़ा आइडिया था उनका, और प्लेज वगैरह भी किए हुए थे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था। प्लस ये कि लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप हेल्प मांगे किसी से, अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही सो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मतलब जैसे मेरी टीम जो थी वो इतनी सपोर्टिव थी कि डिस्कशंस आप डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब जैन से पूछ के कि यार ये हमने ये चीज़ करनी है तो इसका क्या तरीका होगा, ये हमने ये मूड क्रिएट करना है तो ये डायलॉग्स तो ये हैं लेकिन क्या लाइटिंग से फ्रेमिंग से भी इसको ऐड कर सकते हैं। फिर प्लस ये कि और लोग हैं बहुत सारे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने की। और मेरा ख्याल है कि वो एक जो ये होता है ना कि सीक्रेटिव या आपको ये समझना कि सिर्फ मुझे पता है, वो गलत है। आपको थोड़ा ओपन और खुल के, और बेशक आप पूछें और अपने दोस्तों से पूछें, या अपने आप किसी को समझते हैं कि यार इनको पता होगा तो आप उनसे पूछें या राय लें, अपने कान खुले रखें, इनपुट ज़रूर लें। क्या बात है एज एन आज मैं कभी रोड पे सफ़र कर रहा होता हूँ तो मेरी आँखें हमेशा खुली रहती हैं कि हो सकता है कोई साइन बोर्ड पे मुझे चीज़ नज़र आ जाए, हो सकता है पेड़ पे कुछ दिख जाए, हो सकता है कोई चलता इंसान से मुझे कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। सर की बात बड़ी पता है कि कहीं से आप कुछ जो है बता सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं जी, सो आपको उस सुनने की आदत होनी चाहिए। सर एक चीज़ और यहाँ जानना चाहेंगे सारे हमारे ऑडियंस के, जितनी डिमांडिंग पाकिस्तानी ऑडियंस है कि वो जी एक टिकट में हर चीज़ चाहते हैं, कितना मुश्किल है कि डेढ़ घंटा दो घंटा उनको एंगेज रख के पूरा वक्त इंटरेस्टेड रखना, एंड दे ऑलवेज हैव क्रिटिक्स एंड व्यूअर्स। मुझे ये लगता है कि ऑडियंस बेचारी जो है ना, वो ये मुझे पहले से लगता है कि हमारे लोग जो है ना इतने हमारे मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में जी, तो जब आप उनको थोड़ा सा उनको मज़ा कहीं से एंटरटेनमेंट नहीं आ रही उनके पास, बाहर दुनिया में कॉन्सर्ट्स होते हैं, पार्क्स हैं, गेम्स हैं, आप बाहर निकलें तो रेस्टोरेंट्स और फलाना और ये घूमना फिरना सब, तो हमारे लोग बेचारे जो हैं वो स्टार्व्ड हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको आप ज़रा सा एंटरटेन करें तो वो खुश होते हैं। तो उसका मतलब नहीं कि सब चीज़ें डाल दें, वो भी एक पुराना फार्मूला था कि जी कॉमेडी भी हो, एक्शन भी हो, ड्रामा भी हो, ट्रेजेडी भी हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको मुझे लगता है कि वो जब भी एंटरटेन होते हैं ना तो वो खुश होते हैं। राइट सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्योंकि माशाल्लाह आपके बहुत से DOPs भेज रहे हैं म्यूज़िक वीडियोज़ के अंदर आपका बड़ा बेहतरीन काम, अगर आपसे पर्सनली पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस तरह के सीक्वेंस शूट करने में आता है या आपकी पर्सनल इंस्पिरेशंस क्या हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि या ये जॉनरा या ये चीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? ये थोड़ा सा मुश्किल सफ़र इस तरह से कि एज ए DP हमें अडॉप्ट करना पड़ता है हर तरह की सिचुएशन जी, तो वो मैंने अपने स्पेशली मैंने जैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है उस हिसाब से कि जो आपके पास स्क्रिप्ट है आपने उसको फॉलो करना है। या तो दूसरा ऑप्शन है मैं सेलेक्ट हो जाकर मैं काला काम करूँगा या मैं सफ़ेद काम करूँगा जी, बट एज ए सिनेमेटोग्राफर आई थिंक आपको फॉलो करना होता है स्क्रिप्ट को या स्टोरी लाइन को या जो फिल्म का मूड है उसको, तो आपको अडॉप्टेबल होना चाहिए। और आप मेरे ख्याल से DPs की शोरी सिनेमेटोग्राफर्स की देखें तो उन्होंने ऑब्वियसली सर्टेन टाइप होते हैं कि इसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि जी ये नहीं करना, लेकिन स्टिल सिचुएशन में आपने अडॉप्ट करना पड़ता है कि डिफरेंट सिचुएशन के, तो आपको यूज्ड टू होना चाहिए उसका। और आई थिंक मैंने तो अपना को इसी तरह रखा हुआ है। ऑब्वियसली सबको जब म्यूजिक वीडियोज़ करते थे हम जब डार्कर टोन की तरफ जाते थे वो होता है, बट आई गेस वो आप ग्रो करते हैं जी, तो वो आप आपका खुलता जाता है आपका एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। अच्छा सर हर जगह आपकी ऑक्यूपेशन से इंसान को जो है जोड़ दिया जाता है और उसके आगे कुछ नहीं, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर DOP में नहीं होते, अगर इस फील्ड में ना होते तो आप क्या होते या क्या बनना पसंद करते हैं? ये अच्छा सवाल ये मैं होता यहीं गई, असल में फोटोग्राफी का मुझे बड़ा हमेशा से शौक था, तो वो मेरे जहन दिमाग और जहन में और जो है ना आपके उसमें एक ही चीज़ थी फोटोग्राफी। लेकिन हाँ फिल्म से बहुत लिंक था, शुरू से फिल्में
एक घर की सपोर्ट थी तो हम देखते रहते थे, तो मेरा दिमाग हमेशा से फिल्म में ही होना था, मैंने यहीं ही होता, लेकिन क्योंकि फोटोग्राफी इतनी पसंद थी और उसको पैशन की तरह फॉलो किया, इवेंचुअली खुद ही आस्ते आस्ते आप पता ही चला एक दिन आप प्रोफेशन बने गए। सबसे ज़्यादा सर मज़ा किसके साथ काम कर रहे हैं पर्सनली, आपको लगा कि ही वॉज रियली और शी वॉज रियली फन टू वर्क विद? एक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस एनीवे। ये देखिए सबके अपने वो हैं, ये बताना मुश्किल होता है। जैसे अहसन भाई डायरेक्टर हैं तो बड़े अच्छे से हम काम कर रहे हैं जी, तो मैं वैसे तो फ्रीलांस हूँ, लेकिन जब इनके साथ काम करता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं जॉब पे हूँ, हम लगता है वो जॉब वो काम के साथ साथ काम जो है ना वो भी हो रहा है और वो नज़र आता है तो वो बड़ा पॉजिटिव आपकी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल तो इसलिए जो है ना वो, और ये दुनिया में होता है कि अगर आप देखें सेट्स बने होते हैं लोगों के, कुछ लोग कुछ सर्टन लोगों के साथ वेवलेंथ मिलती है उनकी, तो ये क्योंकि क्राफ्ट काम है तो अगर आपको कुछ सर्टन स्टाइल चीज़ें पसंद है और अगले को भी सर्टन चीज़ें, तो काम आपको बड़ा आसान हो जाता है जी। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपकी माइंड वेव लेंथ मिलती तो आपका प्रोसेस बड़ा ईजी हो जाता है। सर कमिंग बैक टू यू, जैकी चैन की गाने सुना के मूवीज आप देखते थे ग्रोइंग अप एज अ यंगस्टर, एज अ टीनेजर, क्या जहन चलता था कि उस वक्त मूवीज देखना कि यार मैंने भी ये चीज़ करनी है या नहीं? नहीं मैं मेरे मुझे कभी नहीं था कि मैं फिल्मों तक पहुंच जाऊंगा। वो एक वो जो एक प्रोसेस था आपका इत्तेफाक या बाय इंस्टेंट हाउ यू वर्क? नहीं फिल्में तो मैं वैसे शौकी है, मतलब जैसा सब देखते हैं मैं भी उसी तरह देखता, तो मैं बल्कि अभी भी वैसे ही देखता हूँ फिल्में जी। मतलब वो कहते हैं कि इसकी आपने देखा है इसमें ये चीज़ सही नहीं थी, मैंने कहा पता नहीं मैं तो फिल्म देख रहा हूँ। लेकिन वो सॉरी क्या कह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा था कि ये यही जो आप आए इस फील्ड में, जैसे मैंने प्योर चांस वहाँ पे थिएटर असल में होता था कॉलेज में, सो मुझे इंटरेस्ट हुआ थिएटर में, तो मुझे शौक हुआ एक्टिंग का, वो तो वो थोड़ा बहुत मैंने वो किया। फिर ये अच्छे टाइम थे वो जब ये मिखल एसटीएन आ रहा था जी, नया नया आया था, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही थी सबके लिए, सो वो एक्टिंग के थ्रू होते होते कहीं मैं इधर पहुंच गया। स्टूडियोज तक कोई प्रोग्राम था जिसमें एक्टिंग उनको रिक्वायर्ड थी, फिर किसी ने कहा कि आप ये बच्चों का ड्रामा हमने करना है तो वो लिख दें, उनको मैंने अपना दिखाया काम एक दो, तो उन्होंने कहा आप ये लिख दें, तो इस तरह घूमते घामते मेरा कभी प्लान नहीं था इधर आने का। और अमूमन ज़्यादातर हमने देखा है कि इतने हसीन एक्सीडेंट्स होते हैं कि हमें माशाल्लाह ऐसे डायरेक्टर मिले जिनका इतना ज़बरदस्त काम है, जिससे हम सबको सीखने को भी मिलता है। सर इट वॉज अ कम्प्लीट ऑनर टू हैव यू बोथ हियर। जाने से पहले आप दोनों अगर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं और जो नहीं भी हैं उनके लिए? नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपना पैशन जो है उसको ज़रूर परस्यू करें, जो आपकी ड्रीम है वो उसको बना, ड्रीम को फॉलो करें अपने, जो आप करना चाह रहे हैं वो जो भी चीज़ है, आपको लगेगा उस वक्त कि मुश्किल है नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अगर आप उस पर यकीन रखते होंगे ना तो वो हो जाएगा। ये मैंने पर्सनली करके देखा है कि आप हमेशा ड्रीम बिग, आप अपना सोचें आप करेंगे मुझे ये करना है और वो चीज़ होएगी, उस वक्त आपको लग रहा होगा नहीं होगी लेकिन होएगी। और दूसरा ये कि हमेशा याद रखें कि आप हैंग आउट करें ऐसे लोगों के साथ जो आपसे ज़्यादा वो हों, टैलेंटेड हों, ज़्यादा नॉलेजेबल हों, आप उनसे कुछ सीखेंगे लाजमी। ज़बरदस्त, व्हाट ब्रिलियंट मैसेज सर। आप जाने से पहले बिल्कुल कोई मैसेज देना चाहें? बिकॉज शुरू से मैं जब से आपसे मिले ही कह रहा कि इंस्पिरेशन है उन सबके लिए जो लोग कहते हैं कि जी मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, आप उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि थ्रू शेयर पैशन एंड योर टैलेंट You made, you know, your way. तो सारे हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि जी ये नहीं है वो नहीं है, उनके लिए मैसेज? नहीं बिल्कुल सही, जैसे ऐसे साहब ने कहा कि और अभी भी एक स्टेज पर आपको अंदाज़ा होता है कि जो आप सोचते ना इवेंचुअली हो जाता है। जो एक टाइम गुजारने के बाद शुरू में जब हम भी स्टूडेंट्स एज में थे तो हम सोचते थे कि यार ये कैसे होगा, तो मैं अंदाज़ा हूँ कि अब अंदाज़ा होता है कि यार जो जो सोचा था तो वो हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी हम सोचा इससे बड़ा सोच लें या नहीं सोच लें, लेकिन हाँ उस प्रोसेस को वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि बड़ा सोचें और थ्योरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है थ्योरी, उसको मिस ना करें, लेकिन जब एक दफ़ा कर लेना उसके बाद प्रैक्टिकल पे हल्का हाथ ना रखें, फिर
फिल्म मेकिंग इज प्रैक्टिकल, अगर आप फिल्म मेकिंग से हैं तो वो प्रैक्टिकल है पूरी दुनिया में, तो उसको प्रैक्टिकली पे बिल्कुल अपना हाथ हल्का ना रखें, जितना आप कर सकते हैं करें, इवेंचुअली ये क्राफ्ट है आपका जो है ना, आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और कोई राइट. इट वॉज अ कम्प्लीट ऑनर फॉर मी एंड ऑफकोर्स जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी ये किसी ट्रीट से कम नहीं कि ऑफकोर्स द पीपल विद सच वास्ट एक्सपीरियंस और उनका काम बिल्कुल हम सब ने देखा है कि कितना ज़बरदस्त है. इंशाल्लाह सर जिंदगी रही तो ज़रूर फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल आते हैं. वही वाली बात जो हम ऑफर भी कर रहे थे कि एक बच्चे को अगर एक कैंडी लैंड में छोड़ दिया जाए वो कितना एक्साइटेड हो जाता है, सिमिलरली एक मीडिया स्टूडेंट को अगर सर के साथ छोड़ दिया जाए, जैन भाई हों या अहसन भाई हों, तो उसके लिए एक जो ना आंखें ऑलरेडी इतनी बड़ी हो जाती हैं. मैं ये भी पूछ लूँ. बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, इट वाज सो काइंड. एंड दिस वाज आवर एपिसोड और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू गेस्ट. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू वर्निश टीवी.